लेकिन कोई बोल नहीं सकता उसको, बोले आप और मेंबर भी है पैसे वाला भी है। थोड़ा जल्दी कर लो ये बेटा, इधर आ। देखो ये मैं रखूँ अभी, ये बच्चों को मेरी टीवी हो गई है, ये लड़के को फाइल था, फाइल है मेरे पास। अरे अंदर उसको कायदे से, अभी हम लोग नासिक तक चला है मामला, लेकिन सब जगह रुपया पैसा लेन देन हो रहा है, वो फाइल भी तुमको बताता हूँ। बहुत भारी है, में से एक हैं, उनको मैंने जब कहा कि भाई मेरी अम्मी को टीबी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हैदराबाद तक के पेशेंट आते हैं और पूरा मराठवाड़ा मैं संभालता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर 10 बंदे तकरीबन 100 बंदे अगर मेरे पास टीबी के होते हैं तो उसमें 90% लोग मालेगांव के हैं। तो मैंने कहा सर ये ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि सबसे मेन चीज़ आपके गांव का पॉल्यूशन, आप वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लो, टीबी की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। पॉल्यूशन ये है कि प्लास्टिक गिट्टी मशीन और साइजिंगों में जो प्लास्टिक के कचरे जलाए जाते हैं वो हवा में उड़ के ख़त्म नहीं हो पाते, वो रिटर्न बैठते हैं ज़मीन पर, वो लोगों की सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि मैंने नासिक कलेक्टर तक इसकी शिकायत की, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तो रोज़ी रोटी है लोगों की, है ना। तो मैंने कहा कि भाई 200 लोगों की रोज़ी रोटी के लिए आप 2000 लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ बोलना है क्या? पूरे हमारे महल्ले वाले जो है बहुत तकलीफ में है, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना पड़ता हमारे घरों में, हम कैद थाने में रहते, ये क्वेश्चन हो गया। और जब उनको बोलते हैं तो वो उनके पास वो बोलते हैं कि किसमें दम है बंद करके बताओ। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई सब मिल के जो है इसको बंद कराएं और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल दो। मेरे पास पूरे नोटिस का पूरा लिस्ट पड़ा है, तुमको चाहे तो मैं अभी बता दूँ क्या इसमें, मेरे पास पूरा 200 नोटिस का ही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। वो अपना एक दबदबा बना के रखते, लोगों को धड़ा धमका के रखते और अपना जो मेम्बरशिप का गलत फ़ायदा होता है। इससे पहले उन्होंने रमज़ान में सब कुछ जमा करके बोला था कि यार मैं साल भर में बंद कर दूँगा, आज 2.5 साल हो गया, वो भी जो है झूठ उसमें साबित होता है। अभी बोलते कि मैं एक दो महीने का दो, तो भैया हम क्यों, हमको बीमारी लग जाएगी जब तुमको मोहलत देंगे, तुम जब लगाएंगे हमको वहाँ ये लगा के दो, हमको ये लगा के दो, हम कैसे क्या करें। इतनी तकलीफ हो रही है कि हमारा हाल हमको मालूम, आए दिन बच्चों को इधर एडमिट कर उधर एडमिट कर, कोई कार्रवाई ना कुछ ना क्या, कोई आता नहीं। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या बोल रहे खाला, बोलो। कुछ नहीं, मैं तो ससुराल से इधर आई हूँ, अम्मी अब्बा के इधर महीने भर की छुट्टी लेकर आई थी, पर देख के ऐसी स्मेल से लग रहा नहीं कि रह पाऊँगी, अब जाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, इसको थोड़ा ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, ऐसा लगता नहीं कि रह पाएंगे। परसों के दिन रात में 2 बजे इतनी गंदी बदबू आ रही थी, उठ के मुझे उल्टी हो गई, तो मेरे शौहर बोले कि नहीं जा वापस चले जा, बोले इधर नहीं।
अंदर। रंग नरका तो ये नहीं।